सबसे बड़ी खबर आप देख सकते हैं। आज प्रयागराज में लूट की घटना का पुलिस व सौंप द्वारा किया गया अनावरण। डीसीपी गंगानगर ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बीते 26 सितंबर को थाना बारिया क्षेत्र में आर टिकाकर को लूटने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस उपायुक्त गंगानगर द्वारा पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिसके क्रम में विवेचना के दौरान ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत लगाए गए सीसीटीवी कैमरा की मदद से थाना बहरिया व सोप गंगानगर की संयुक्त टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमे से संबंधित वांछित अभियुक्त आशीष यादव पुत्र राजनाथ यादव निवासी खमपुर दुबेपट्टी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को बहरिया क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरा के पास से लूटी गई आर्टिका कर एक अवैध देसी तमंचा 315 बोर दो जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अभियुक्त के ऊपर अलग अलग जनपद में आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले के मुकदमे पंजीकृत हैं तथा इस मामले से संबंधित दो अन्य वांछित अभियुक्तों की तलाश जारी है। डीसीपी गंगानगर के मुताबिक जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। 26 सितंबर को एक मुकदमा हुआ था थाना बहरिया, जिसमें वादी हैं जय सिंह यादव, उनके द्वारा बताया गया था कि इनकी अर्टिगा गाड़ी जो ये खुद चलाते हैं, खुद ही वाहन चलाने लिए उसको बुक किया गया था, फ़ोन करके बुकिंग की गई थी। जब ये वहाँ पे गए थाना बहरिया में तो तीन लोग इनकी गाड़ी में बैठे हैं और इनको एक अपना एक इन्होंने व्यक्तिगत रीज़न दिया कि हमें फला जगह पर जाना है और गाड़ी आपकी बुक करनी है। फिर उनको लेके चले हैं। कुछ दूर जाने के बाद में इनको डरा धमका के इकट्ठा दिखा के इनको भगा दिया गया था। इनकी गाड़ी लूट कर निकल गए थे। उस समय अपनी गाड़ी में तीन लोग सवार थे, जिसमें से एक अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार हुआ है। उसका नाम है आशीष यादव। इसके विरुद्ध में 8 मुकदमे पंजीकृत हैं और इसके द्वारा स्वीकारा भी गया है। साथ ही साथ गाड़ी जो है वो बरामद हो गई है और घटना में इस्तेमाल जो मोबाइल है वो गाड़ी और एक तमंचा और जो कारतूस है जिंदा कारतूस को जो वो बरामद हुए हैं। जो वांछित अभियुक्त बचे हैं उनके विरुद्ध में कार्रवाई करते हैं, उनको जल्दी ही गिरफ्तार किया है। पूछताछ में क्या बताया है? पूछताछ में यही बताया गया कि इनको जो है कुछ आर्थिक तंगी है, पैसे की आवश्यकता थी, जिसके लिए इन्होंने ये प्लानिंग की, उनकी गाड़ी लूटी है और इस घटना को अंजाम दिया। ये जो पकड़ा गया है जिला पंचायत सदस्य भी रहा है? हाँ, इसके द्वारा बताया जा रहा है कि ये प्रतापगढ़ जिला पंचायत सदस्य है और ये जो है LLB की पढ़ाई भी कर रहा है और दूसरे वर्ष की पढ़ाई कर रहा है। ऑपरेशन दृष्टि का कितना सहयोग रहा? इसमें ऑपरेशन दृष्टि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। जैसे ही घटना हुई थी तो हमारे ऑपरेशन दृष्टि या त्रिनेत्र जो अब नाम हो गया, उसके अंतर्गत देहात क्षेत्र में कई सारे CCTV कैमराज प्राइवेट लोगों द्वारा लगाए गए, जिसकी वीडियो का अवलोकन किया गया और उसके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण स्टार्टिंग में उन लोगों को लीड किया और वहीं से हमारी टीम इसके पीछे लग गई, जिसके कारण ये जो सफलता है वो प्राप्त हुई है, मुकदमे का नामकरण हो पाया।